ये कि मैं जब आई थी इस प्लेटफॉर्म पे तो मैंने ना वजीफा अपनी भाभी के लिए लिया था। मेरे ना भाई की 9 साल पहले डेथ हो गई थी, सैड तो मेरी जो भाभी थी उनकी ना मतलब मेरा उन्होंने शादी नहीं नेक्स्ट की थी, तब उनका बेटा 6 मंथ का था। तो फिर मेरे फादर ने ना अब से मतलब अभी 9 साल बाद ना मेरी भाभी का निकाह करवाया था मेरे ताया के बेटे के साथ। सॉरी। तो फिर सडनली ऐसे हुआ कि फोन पे निकाह हुआ था, तो जो मेरे ताया का बेटा था वो ऐसे फेड अप सा हो गया था। वो कह रहा था जी मैं नहीं रखूंगा, ये है वो है। तो फिर मैंने फिर टिकटॉक पे आपकी वीडियो देखी, तो फिर मैं ग्रुप मैंने ज्वाइन किया 12 अक्टूबर को। तो फिर मुझे ना सिस्टर जायरा ने वजीफा दिया था 3,000 बिस्मिल्लाह, 1 यासीन रिद्दे मुबीन और 6,000 या6,000 लतीफ़ा। दफा या लतीफ़ों जी। तो फिर ये मेरा मेरी भाभी ने किया था वजीफा। तो ये हुआ कि विदन 1 मंथ मेरा कजन वापस भी आ गया, और फिर कोई 20-25 दिन के बाद उनकी रुखसी भी होगी, और वो माशाल्लाह माशाल्लाह 2 महीनों से वो बिल्कुल ठीक जा रहे हैं और बड़ी हैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं। गुड है, ये घर घर आबाद करने का काम किया है सिस्टर ज़ारा ने। अच्छा काम है जी 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 ये अल्लाह माशाल्लाह। ताला इन्हीं चीज़ों से जो है ना खुश होता है। और उन्होंने, और जो मेरा वो कजन है मेरे ताया के बेटा और मेरे भतीजे से भी बहुत प्यार कर रहा है कि जैसे बिल्कुल एक फादर की तरह ही, बड़ी उसको इम्पोर्टेंस देता है। तो ये बहुत हमारे लिए बहुत खुशी की बात थी। नहीं, मेरे लिए भी खुशी की तो बात ये है थी एक मेरी। क्योंकि आई अंडरस्टैंड दिस जी पेन, बहुत शुक्रिया आई नो शादी। दिस पेन। जी जी ठीक है।